भिंड में एक दिवसीय दौरे पर आई कांग्रेस से लांजी से विधायक राष्ट्रीय प्रवक्ता हिना कांवरे का भिंड में जगह जगह स्वागत हुआ। हिना कांवरे ने भिंड में सुभाष चंद्र जयंती पर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के चाचा के निधन के बाद उनके निजी निवास पर पहुंची, साथ ही शोक संवेदनाएं व्यक्त की। कांग्रेस नेत्री का भिंड में तलवार मुकुट भेंट कर फूलमालाओं से जगह जगह स्वागत किया गया। साथ ही साथ इस दौरान कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ने पत्रकारों के साथ प्रेसवार्ता की, जिसमें प्रदेश भाजपा सरकार पर पंचायत चुनाव को लेकर निशाना साधते हुए मुझे भाजपा को दोषी बताया, तो वहीं किसानों की बाजरा तुलाई खाद बीज जैसी समस्याओं के निराकरण करने में सरकार को विफल साबित किया। हिना कांवरे ने कहा कि आगामी 2023 विधानसभा में कांग्रेस की जीत निश्चित है। कि पंचायत के चुनाव को लेकर शुरू से ही कांग्रेस का रुख स्पष्ट रहा है। आज हर तरह का दोष कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे देती है। आज सत्ता में जो दल है उसकी जवाबदारी बनती है समय पर चुनाव करवाना और नियम अनुसार चुनाव करवाना। आज वो उसमें विफल रही है और इस बात के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चुनाव की स्थिति है पंचायत स्तर पर, आज भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि जमीन पर उनकी जड़ें कमजोर हो चुकी है, इसलिए आज वो चुनाव कराने के लिए मूडी नहीं बना पा रही है। बाकी सारी चीजें तो एक तरफ रह गई, आज उनका दिमागी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो जमीन की सच्चाई है। आज किसान का मतलब क्या है? किसान भी तो एक वोटर ही है और जो स्थिति किसानों की है, युवाओं की है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। इसलिए सरकार हर मामले में विफल रही है और सब लोग रास्ता देख रहे हैं कि कब 2023 का आम चुनाव विधानसभा को हो और कैसे इस सरकार को सबक सिखाएं। कांग्रेस जड़ में जाकर तैयारी कर रही है और आपने 2018 का चुनाव भी देखा किस तरीके से 15 साल की सरकार को आम जनता ने उठाकर बाहर कर दिया था। ये परिस्थिति बाद में जो निर्मित हुई उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी।